नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। हरदोई 30 अप्रैल 2023 को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पुरुष कर्मचारियों की संविदा नवीनीकरण पर रोक लगाते हुए पुरुष कर्मचारियों को दिया झटका। शासन के इस आदेश के अनुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पुरुष पार्ट टाइम फुल टाइम अध्यापक लेखपाल सहित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रभावित होंगे। जनपद के 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तैनात पार्ट टाइम फुल टाइम शिक्षक लेखपाल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। नवीन शैक्षिक सत्र में संविदा कर्मचारियों की संविदा एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन बुधवार को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उठाए गए कदम के अनुसार शासन स्तर से जारी पत्र के आधार पर विद्यालय में तैनात केवल महिला कर्मचारी की संविदा नवीनीकरण की बात कही गई। यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पुरुष कर्मचारी जो तैनात हैं उनकी संविदा नवीनीकरण ना किया जाए। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से प्रमोद सिंह की खास रिपोर्ट। हम सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि मेरी संविदा नवीनीकरण पुनः किया जाए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी संविदा नवीनीकरण पुनः किया जाए, नवीनीकरण करें और हमें अपने प्रतिभा का फिर से मौका दें। दूसरी बात है कि खंड शिक्षा अधिकारी है या जिला समन्वयक बालिका शिक्षा है या जिले की कोई टीम है, सभी लोग पुरुष हैं। विद्यालय में जो भी निरीक्षण होते हैं, चाहे वो राज्य परियोजना कार्यालय के तहत हो या जिले स्तर से हो या ब्लॉक स्तर से हो, सभी लोग पुरुष ही जांच करते हैं। तो जब उनके चरित्र पे कोई संशय वाली बात नहीं है तो हम लोगों के प्रति कोई संशय वाली बात कैसे हो सकती है। हम लोगों का तो ऑफिस से रिलेटेड काम है, हम लोग विद्यालय में जो हॉस्टल में बच्चियां पढ़ती हैं उनसे कोई हमारा कोई सरोकार ही नहीं, ना तो हमारा वहाँ आना जाना है, ना तो उनसे कोई बातचीत है, ना कोई उनसे कोई टच में है। हम सिर्फ अपना वर्क करते हैं, वो भी कार्यालय संबंधी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोई स्कीम ही है, तब मैंने अपनी जी तोड़ से अपना मेहनत किया और अपने मेहनत के बल पर हर वर्ष हमारा नवीनीकरण होता चला आया। आज इन्होंने गलत तरीके से आदेश जारी करके जो लिंग भेद के आधार पे पुरुष और महिला में अंतर इन्होंने विस्थापित किया। हर विभाग में पुरुष और महिला कार्यरत है और इन्होंने मेरे इस गलत आदेश दे करके मेरे चरित्र पर भी खंडन किया है, उसको शंका में लाया है। किसी भी विभाग में पुरुष और महिला दोनों लोग कार्यरत हैं। जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो महिला पुरुष का कोई बाउंडेशन नहीं था, ना तो कोई समय सीमा थी कि आप पुरुष करते हैं या महिला करते हैं। और हम लोगों की आज उम्र 50, 40, 55 के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि हम कहीं के नहीं रहे। हमारा लोगों का परिवार जो है वो रोजी रोटी जो है भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। आप तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि मेरा जो गोल्डन पीक था, गोल्डन समय था करियर का, मैंने पूरे कस्तूरबा गांधी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।